जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए समझते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के बारे में। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इनको ऐड करना है। तो किस तरीके से ऐड करेंगे? बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बिल्कुल शॉर्ट में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो एंड के प्लेस पे क्या लगा देना है? प्लस लगा देना है। तो इसको लिखा जाएगा 2√3 -5√2। यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस प्लस √3 प्लस 2√2। बस अब इसमें जो भी रूट में नंबर सेम है उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, हाँ यहाँ √3 है, यहाँ √3। तो ये प्लस में, ये भी प्लस में, इनको ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3√3। अब कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, यहाँ पे 1 माना जाता है, 1 सपोज किया जाता है। तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो 3√3 हो गया। उसी तरीके से इसको और इसको एक साथ ले लेंगे, तो या माइनस में और ये प्लस में, तो क्या हो जाएगा? 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा? -3√3√2। यहाँ पर 2 है, तो अब इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे। तो जब 3 कॉमन करेंगे तो कितना आएगा रूट के अंदर? रूट में 3 और -√2, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इसको इसी तरीके से उतार देंगे, तो 2√2 प्लस 5√3 -7√3। एंड के प्लेस पे प्लस लगा देंगे और 3√3 -√2 और +√5। तो देखिए, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे 5 होना चाहिए, रूट में यहाँ 5 होना चाहिए। यहाँ पे आप 5 कर लीजिए, यहाँ पे 5 कर लीजिए, 7√5। तो वैसे यहाँ भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7√5। तो देखिए, 2√2, √2 वाले को एक साथ ले लीजिए, तो 2√2 और यहाँ पे -√2, -√2 इस पे ऐसा ले लिए। फिर प्लस करके √3 वाले को ऐसा ले लीजिए, √3, तो प्लस 5√3 और +3√3। उसी तरीके से √5 वाले को एक साथ ले लीजिए, तो प्लस लगा दीजिए और यहाँ पे √5 को पहले कर दीजिए, √5 को पहले, चूँकि प्लस में और माइनस में 7√5। अब यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 2 में से यहाँ 1 माना जाएगा, तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? सिर्फ 1 आएगा, यानी 1√2 आएगा। 1 को लिखा नहीं जाता है, सिर्फ √2 लिखेंगे। यहाँ पे 5 और +3, 5√3 कितना हो जाएगा? 8, 8√3। उसी तरीके से यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, प्लस और इसको जब माइनस करेंगे तो 7 में से यहाँ 1 माइनस, यहाँ जो है 1 माना जाता है, तो 7 में -1 माइनस कितना हो जाएगा? -6। माइनस आएगा क्योंकि 7 बड़ा है, तो -6√5। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टेप और जाएगा, बस √2 +8√3 और यहाँ पे माइनस का प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आएगा, तो 6√5। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन हैं बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारा जो चैनल जेजेड अकेडमी, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसी तरीके के और भी जो क्वेश्चन हैं उनको भी किसी और वीडियो में सॉल्व कर दिया जाएगा। जय हिंद।